हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी आर्काइव टुगेदरनेस। सो टुडे इज अवर टॉपिक इज रावुल्फिया सर्पेंटीना। आज हम लोग रावुल्फिया सर्पेंटीना प्लांट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसको हिंदी में सर्पगंधा भी कहा जाता है। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का प्लांट स्टार्ट करते हैं। इसको इंडियन स्नेक रूट भी कहा जाता है, रावुल्फिया सर्पेंटीना को, क्योंकि इसका जो रूट होता है वो स्नेक के शेप में होता है। और इसमें कौन सा पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसका हम लोग ड्राइड रूट ही यूज़ करते हैं। इसी में हमारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती है। अब हम लोग इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। तो सिनोनिम्स हमारा रावुल्फिया रूट, इसको रावुल्फिया रूट के नाम से जाना जाता है, सर्पेंटीना रूट, छोटा चंद के नाम से भी जाना जाता है, या फिर सर्पगंधा भी इसको हिंदी में बोला जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, इसमें हम लोगों को तीन चीज़ देखना होता है। पहला तो ये कि इसका कौन सा पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं, वो पार्ट हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, और वो प्लांट किस फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग इसका ड्राइड रूट ही यूज़ करते हैं। तो ड्राइड रूट नोन एज अ रावुल्फिया सर्पेंटीना, रावुल्फिया सर्पेंटीना प्लांट का, और ये फैमिली एपोसाइनेसी का हमारा मेंबर है। यहाँ पे एक हमारा एक साइंटिफिक डाटा हो दिया हुआ है यहाँ पे कि इट कंसिस्ट नॉट लेस देन 0.14% ऑफ एल्कोलाइड कैलकुलेट एज अ रेजरपिन। तो इसमें जो भी हमारा प्रेजेंट होता है वो 0.14% से कम नहीं होना चाहिए, जो मेन हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है रेजरपिन। कल्टिवेशन ऑफ रावुल्फिया की अगर बात करें, तो रावुल्फिया का प्रोपेगेशन मेनली हम कौन कौन से मेथड के थ्रू कर सकते हैं, तो सीड्स के थ्रू करते हैं, रूट्स के थ्रू कर सकते हैं, कटिंग मेथड या रूट से तो करते ही हैं, स्टम्प मेथड एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों से हम इसका कल्टिवेशन कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसके प्रोपेगेशन के लिए, वो सीड मेथड ही होता है। जो भी हेल्दी सीड्स होती हैं रावुल्फिया सर्पेंटीना को, उसको नर्सरी बेड में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सोन कर देते हैं। उसके बाद इस बात का हम लोग ध्यान देते हैं सोन करने के टाइम पे कि हम लोग ज़्यादा नंबर में ही उसको सोन करते हैं, क्योंकि इसका जो जर्मिनेशन रेट होता है सीड्स का, ये काफ़ी कम होता है, तो ताकि हमको सफिशियंट क्वांटिटी में हमको सीड्स को सोन करना होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डायग्राम पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सफिशियंट क्वांटिटी में ही इसको सोन करना होता है। ये कल्टीवेशन ऑफ सर्पगंधा है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ प्लांट कंटेनिंग फ्लावर एंड फ्रूट्स टुगेदर। इस पिक्चर में प्लांट में हमारे फ्लावर और फ्रूट्स दोनों हैं। हार्वेस्टिंग की अगर बात करें, तो इसका जो प्लांट होता है, जो कि हमारा रावुल्फिया सर्पेंटीना का, वाइल्ड प्लांट को हम लोग कलेक्ट करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, रूट होता है हमारा और राइजोम को अक्टूबर नवंबर के मंथ में हम लोग इसको, जो भी हमारा प्लांट 3 से 4 साल पुराना हो जाता है कंप्लीट होने के बाद ही, हम उसको क्या करते हैं, प्लग आउट कर लेते हैं। देन इसका एरियल पार्ट जो होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, और रूट को अच्छे से वॉश करने के बाद उसको हम लोग एयर ड्राई करने के लिए छोड़ देते हैं। इस बात का ध्यान रखते हैं कि फारा मॉइस्चर कंटेंट नहीं हटना चाहिए, उसमें 10-12% मॉइस्चर कंटेंट रिटेन करना चाहिए, और रूट जो होती है उसको हम लोग डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं रखते। अब हम इसका मैक्रोस्कोपिकल करेक्टर का बात करेंगे। तो जो हमारा ड्रग होता है, चूँकि हमने पहले भी बताया कि रूट या राइजोम का जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसकी हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेज में उसको हम लोग कर लेते हैं। जनरली हमारा 8-15 सेंटीमीटर का वो लॉन्ग होता है, और 0.5-1 सेंटीमीटर का थिक होता है, मतलब मोटा होता है। रूट जो होता है, अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, तो ये हमारे सब सिलेंड्रिकल शेप का होता है, या फिर स्लाइटली टैपरिंग होता है, मतलब चपटा हुआ होता है, एंड रेयरली ब्रांचेज, और कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी ब्रांचेज भी होती हैं। सरफेस अगर इसका देखेंगे, तो आउटर सरफेस में ये हमें डल येलो कलर का या फिर ब्राउन कलर का दिखाई देता है, जिसमें कि लंबी लंबी धारियाँ होती हैं, मतलब कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्राइएशंस होते हैं उसमें। और जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन हम करते हैं, तो इसमें शो करते हैं पेल येलो या वाइट कलर का, जो कि फेंटली रेडिएटेड कॉम्पैक्ट वुड विथ 3-8 ग्रोज रिंग। ठीक है, जो कि हम ट्रांसवर्स सेक्शन करने पे क्या होता है कि जो हमें येलो कलर का या वाइट कलर का पेल येलो कलर का शो होता है, उसको जब आप देखेंगे कट करने के बाद, तो उसमें क्या है कि फाइनली रेडिएटिंग कॉम्पैक्ट वुड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगी, जिसमें कि 3 से लेके 8 तक उसमें ग्रोथ मतलब रिंग होती है, जो कि हार्ड कॉम्पैक्ट फाइनली डिफाइंड होती है।
रूट के ऊपर बार्क होती है जो कि 1.5 से 2 मिलीमीटर वाइड होती है, ठीक है। और ये जब इसका कलेक्शन कर रहे होते हैं रूट का, तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि इसकी बार्क जो है वो रिमूव ना होने पाए, क्योंकि इसमें ही हमारा मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है रेजरपिन वो भी प्रेजेंट रहता है, तो इस बात का ध्यान रख के निकाला जाता है। माइक्रोस्कोपिकल करेक्टर की बात करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा इसमें बार्क होता है, बार्क वो स्ट्रेटिफाइड क्वार्क का बना हुआ होता है, जिसमें कि अल्टरनेटिव फैशन में हमारे इस अल्टरनेटिव बैंड्स स्मॉलर और लार्जर साइज के सुबेराइज्ड क्वार्क सेल भी प्रेजेंट होता है। और जो ये सेल्स होती हैं इसका अगर सरफेस व्यू से आप देखेंगे तो ये आइसोडाइमेट्रिक दिखाई देती हैं। फ्लोएम की अगर हम लोग बात करें तो ये कंसिस्ट होता है सीव ट्यूब से और इसमें पैरेन्काइमा की नैरो रेज से ये कंबाइंड होकर बनता है। और साथ में इसमें अल्टरनेटिव फैशन में हमारे बॉर्डर मेडुलरी रेज होते हैं जो कि 2 से लेकर 4 सेल्स वाइड होते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स में हमारे स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम ऑक्सिलेट भी प्रेजेंट होता है। सेंटर में जो हमारा वुडी टिश्यू होता है उसमें छोटे छोटे वेसल्स होते हैं, इसमें स्मॉलर ग्रुप ऑफ फाइबर्स और लिग्निफाइड जाइलम पैरेन्काइमा भी प्रेजेंट होता है। और इसी की वजह से जैसे कि हमारे फाइब्रस टिश्यू हो गए, लिग्निफाइड जाइलम हो गया, इसकी वजह से क्या एक कॉम्पैक्टनेस आती है। और अगर स्टार्च ग्रेन की बात करें तो स्टार्च ग्रेन हमारा सिंपल और राउंडेड ही होता है नॉर्मल की तरीके से, लेकिन कभी कभी ये 2 से 3 कंपाउंड ग्रेन में भी फॉर्म हो जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में इसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि इसमें किस टाइप का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है, तो सबसे मेन जो होता है इसमें इंडोल एल्कोलाइड प्रेजेंट होता है। और इसके बाद जो क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है, जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसके बारे में मैंने आपको बार बार बताया रिजरपीन के बारे में, तो ये हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके ग्रुप में अगर देखेंगे तो रिजरपीन ग्रुप में इसमें रिजरपीन दिया हुआ है, रिजरसिमीन एंड डिस्क्रिविडीन, ये सब सारी चीज़ें हो गई। और दूसरा जो ग्रुप है वो है हमारा एमेजिलीन, ठीक है, एमेजिलीन एमेजिसिलीन, तो ये सारे ग्रुप है सरपेंटीन सरपेंटिनिन, तो ये आपको मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट याद रखना। अब हम इसकी यूजेस की बात करें तो इसमें जो भी ज़्यादातर हमारे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसके मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रिजरपीन की वजह से ही होती है, विच हैज़ डिप्रेसेंट एक्शन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि क्या करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देते हैं। इट प्रोड्यूसेस ट्रांसक्यूलाइजिंग इफेक्ट द इमोशनल कामनेस विदाउट प्रोड्यूसिंग हिप्नोसिस, ठीक है, एंड लोअर द ब्लड प्रेशर, ये क्या करता है ब्लड प्रेशर को भी लोअर करने में हेल्प कर देता है। और इसके साथ ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट भी शो करता है, ठीक है, वहाँ पर जहाँ पे पेशेंट को ज़रूरी है ओरल तरीके से उसको एंटी हाइपरटेंशन ड्रग देना है वहाँ पे रिजरपीन का यूज़ किया जाता है। और वहाँ पे पेशेंट्स को क्या है एनजाइटी है डिप्रेशन है, ठीक है, इस तरीके के पेशेंट को या फिर जिनको कार्डियक एरिथमा है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, ग्रेस्टिक अल्सर्स, तो उन सारे पेशेंट्स के साथ थोड़ा कॉशंस के साथ हमें इसका एप्लीकेशन करना होता है, ठीक है। इट हैज़ ट्रांसक्यूलाइजिंग इफेक्ट रदर देन हिप्नोटिक, ठीक है, तो ये ट्रांसक्यूलाइजिंग इफेक्ट को शो करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।